हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जामिनी डिवा। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हर अल्टरनेटिव वीडियो अपलोड होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, अभी चल रहा है ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का वीडियो। इसके ख़त्म होते स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज क्लास विद डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड जीके। ये सारे वीडियो रेलवे एन टी पी सी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ लोअर पी सी एस, एस एस सी, एस आई, बिहार एस एस सी, हरियाणा एस एस सी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जीके पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रेंड, अगर कोई भी झारखंड के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इस चैनल पे झारखंड एसएससी सीजीएल की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसको आप लोग झारखंड सचिवालय भी बोलते हैं। उसमें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, झारखंड जीके, जितने भी प्री और मेंस का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कर ले और कुछ ही दिनों में, लगभग 10 दिनों के अंदर ही इस चैनल पे झारखंड के क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले चैप्टर वन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगी, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाल दूँगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ और पृथ्वी का परिचय, ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है पिछले क्लास में, आप लोग जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड क्या? जो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ही तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए, एसएससी में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए, स्टेट पीसीएस में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की घटना को क्या बोलते हैं? बिग बैंग। तो इसी पे बिग बैंग ने बिग बैंग थ्योरी भी दिया है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस डिस्कस करें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम से पूछे गए, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या कहलाता है? स्पाइनल ऑरेगी। स्पाइनल ऑरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कहलाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो बिग बैंग थ्योरी दिया तो किसने दिया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने। कब? 1966 में दिया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा? अभिनव तारा या सुपरनोवा को कौन सा तारा बोला जाता है? विस्फोटी तारा। बहुत बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, विस्फोटी तारा किसको बोला जाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा को? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते, अभिनव तारा या सुपरनोवा को क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? विस्फोटी तारा। ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड की आयु कितना है? ब्रह्मांड की आयु जो है 1300 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास जो है 108 प्रकाश वर्ष है, 108 प्रकाश वर्ष। ये भी पूछ लिया जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। एक पार्सिक बराबर होता है, एक पार्सिक किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ये खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक ये भी पूछा जा चुका है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 × 1012 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 ×
10^12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर मीटर में बोला जाए तो 9.46 इंटू 10^15 मीटर के बराबर होता है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? कॉपरनिकस, जो पोलैंड के वैज्ञानिक थे, तो कॉपरनिकस ने बोला था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते कहलाता है। जहाँ पे तारे क्या होते हैं? आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते, वह सीमा क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है किसने कहा था? कैपलर ने कहा था। तारे का रंग सोचे, जो तारे का रंग होता है उसे टिमटिमाते क्यों टिमटिमाते हैं? उसके टेम्परेचर के कारण टिमटिमाते हैं। तो तारे का टिमटिमाना उसका रीज़न क्या? उसका ताप है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? उसको काला दिखता है। ये भूल कभी ना करें कि नीला दिखता है। हम लोगों को यहाँ से आकाश नीला दिखता है तो अंतरिक्ष यात्री को भी नीला दिखता है, ऐसा नहीं होता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको जो आकाश दिखता है वो काला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है क्यों होता है? लाइट के स्कैटरिंग की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में रिपीटेड है। तारे का टिमटिमाने का कारण है, तारे का जो टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन तारे का रंग उसके टेम्परेचर की वजह से दिखाई देता है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, तारों का जो सुंदर पैटर्न होता है तारामंडल बोलते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या कितना है? तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा जो तारामंडल वो है सेंटॉरस, सेंटॉरस सबसे बड़ा तारामंडल है। सबसे छोटा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल क्या है? क्रक्स, क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, जो बड़ा बड़ा गुच्छा का समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। जिसका व्यास कितना है? 10^5 प्रकाश वर्ष है। आकाश गंगा की आकृति है, आकाश गंगा की आकृति है, आकाश गंगा की कैसा आकृति है? सर्पिलाकार। जो आकाश गंगा की आकृति वो क्या है? सर्पीला कार है। मतलब जो हमारा गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी क्या? हमारा गैलेक्सी जो हमारा जो आकाश गंगा है वो क्या है? मिल्की वे। तो इसका आकृति कभी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? इसका आकृति जो है वो सर्पीला कार है। आकाश गंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी क्या है? निकटतम मंदाकिनी है जो आकाश गंगा जो गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है वो क्या? देवयानी, जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितनी औसत दूरी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का जितना दूरी है वो क्या कहलाती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। जो हमारे पृथ्वी और सौर मंडल जिस आकाश गंगा में, जिस गैलेक्सी में स्थित है वो कौन सा है? दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे भी बोलते हैं इंग्लिश में। दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या है? वो एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी अरबों तारों का समूह मंदाकिनी कहलाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या? अभी जो नवीनतम हाल फिलहाल में जिस मंदाकिनी का ज्ञात हुआ है वो कौन सा है? ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तेजी से घूमने वाले तारे को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा, जो आकाश गंगा हमारा मंदाकिनी उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु क्या? हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। अब पुनः फिर हेली धूमकेतु कब दिखाई पड़ेगा? 76 ईयर्स बाद दिखाई पड़ेगा, मतलब 1986 में दिखा था, 76 ईयर्स बाद दिखेगा, मतलब 2062 में दिखने वाला है हेली धूमकेतु। आज थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना ली।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल के प्लेलिस्ट में और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोज जीके से रिलेटेड है, ज़रूर देखें। आई होप बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड अगर झारखंड से हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी झारखंड SSC CGL की क्लास स्टार्ट होने वाली है। वो भी सिर्फ एप्टीट्यूड की नहीं, सिर्फ रीजनिंग की नहीं, सिर्फ GK की नहीं, कंप्लीट क्लास प्रीलिम्स और मेंस का और डिटेल एकदम अच्छे से स्टार्ट होने वाली है। और प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मेंस से पहले मेंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले। अगर आप ये चैनल ज्वाइन करते हैं तो ये 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% चांस तो बन ही जाता है झारखंड CGL निकालने के। इसलिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का इंतजार है और क्लास आने वाली है। थैंक यू।